साक्षेत जाके रखने के लिए एक दोस्त गाली बकने के लिए बड़ी जिंदगी हो एज भले शॉर्ट उसमें जेबे भरी हो फुल भरा हो पॉट उसमें सपनों का पैकेट पलकों से खोलूं और फकीर को क्या चाहिए तुम बोलो। तो वेलकम टू माय चैनल। तो इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग बैक एंड को होस्ट कर सकते हैं। मतलब हमने बैक एंड बना लिया है, हमने सब कुछ कर लिया, अब हमको होस्ट करना है, मतलब पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे रेंडर को, क्योंकि हमारे पास था हीरो को जो फ्री में बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन अभी वो पेड हो चुका है तो हम लोग उसको थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। इसीलिए हम लोग एक फ्री सर्विस की तरफ जाएंगे जो है रेंडर फेसल। बहुत सर्विसेज हैं, आप लोग उसको डिस्कवर कर सकते हो। सेम पूरा सेम मेथड है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत कॉन्फिग चेंज होगा। तो आज हम लोग देखने वाले कैसे रेंडर के अंदर हम लोग इसको होस्ट कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स हम लोगों को मिल रहा है बैक एंड से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है एक जेसन फॉर्मेट में हम लोगों के पास हमारा डेटा आ रहा है बैक एंड से। तो इसको हम लोग कैसे होस्ट कर सकते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है कि हमारे पास जो कोड है उसको आपको गिटहब के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। सिंपली आप जाओ एंड गिटहब के अंदर उसको पुश कर दो, एंड उसके बाद मैंने ऑलरेडी पुश कर दिया है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ ऐसा है हमारे पास हमारा कोड। एंड अभी हम लोग क्या करेंगे, रेंडर के अंदर जाएंगे, जो हमारा वेबसाइट है रेंडर, मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक मैं एक और पेज ओपन कर लेता हूँ, रेंडर एंड आपको नीचे मिल जाएगा render.com वेब सर्विस क्लाउड एप्लीकेशन वेब सर्विस। इसके अंदर आपको सिंपली साइन इन कर लेना है, और साइन इन आप कर सकते हो अपने GitHub अकाउंट के मदद से। सिंपली साइन इन हो जाने के बाद आपको डेटाबेस शो करेगा इधर, सिंपली क्लिक कर देना है आपको एंड आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो आप अभी देख सकते हो हमारे पास कार बैकएंड 52 नाम का एक सर्विस डिप्लॉय सक्सेसफुली दिखा रहा है, क्योंकि मैंने ये डिप्लॉय किया था ऑलरेडी ये वाला जो बैकएंड। तो मैं क्या करता हूँ कि न्यू एक बना लेता हूँ, ठीक है। आपके लिए सबसे पहले आपको जाना है न्यू पे, उसके बाद वेब सर्विस, ठीक है। वेब सर्विस में जाने के बाद आपने अगर अपने GitHub अकाउंट से लॉग इन किया है तो आपका जो रिपोजिटरी होगा वो आपको शो करेगा, ठीक है। तो आपको इधर सिंपली सर्च करना है कार लिस्ट, मतलब आपका खुद का जो रिपोजिटरी है उसको सर्च कर लेना है। सिंपली क्लिक करना है कनेक्ट, ठीक है। और कनेक्ट हो जाने के बाद आपको सिंपली एक नेम चूज करने के लिए बोलेगा, भाई एक नेम तू चूज कर ले। मैं चूज कर लेता हूँ कार लिस्ट लाइक कृष्णेंदु। तो मैंने चूज कर लिया कार्ड लिस्ट कृष्णेंदु राय, आप खुद से कुछ नाम दे सकते हो। उसके बाद आपको इधर जाना है और इसको ये चूज कर लेना है ओरिजिन। अभी आपको आपका ब्रांच चूज कर लेना है, ठीक है। मेरे कोड मास्टर ब्रांच के अंदर है तो मैं मास्टर ब्रांच चूज कर लेता हूँ। और आप रूट डायरेक्टरी को सिंपली छोड़ सकते हो क्योंकि ये ऑप्शनल है। और एनवायरनमेंट, और आपका कोड अगर नोड जेएस के अंदर है तो आप सिंपली जाके नोड सिलेक्ट कर सकते हो। और आपका कुछ दूसरा कुछ भी होगा, अगर पाइथन या गो या रास्ट कुछ भी, तो आप सिंपली जाके इधर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। बिल्ड कमांड यान ठीक है, कोई बात नहीं। एंड स्टार्ट कमांड नोड server.js, वाई server.js, क्योंकि मेरे पास जो फाइल है वो server.js मेरा मेन फाइल है। आपका अगर index.js होगा तो आप सिंपली चूज कर लेना index.js। तो ये कमांड आपके लिए उस फाइल को सिंपली रन करके देगा, ठीक है। तो मैं सिंपली नीचे जाता हूँ और फ्री को चूज कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो नीचे जाता हूँ मैं और आपको दिखाएगा क्रिएट वेब सर्विस। सिंपली आपको क्लिक कर देना है क्रिएट वेब सर्विस के अंदर। मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ, मैं देखता हूँ अभी क्या होता है, लेट्स सी।
तो ये हमारे लिए प्रोसेस कर रहा है, हमारे बैकएंड को डिप्लॉय कर रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये हमारा फ्री सर्विस है, क्योंकि फ्री सर्विस में डिले देता है वेबसाइट। तो सो ये हमारा सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है क्योंकि हमारे पास सक्सेसफुल मैसेज आ चुका है और ऊपर दिखा रहा है हमारा वेबसाइट लाइव हो चुका है। तो हम लोगों के पास एक URL है हमारा बैकएंड का, जिसको हम लोग ओपन करेंगे तो हमारा दिखा रहा है वेलकम टू कार्ड लिस्ट बैकएंड। मैं अगर इसके राउट को चेंज करूँ लाइक कार्ड लिस्ट, तो ये हमारे पास एक JSON फॉर्मेट में डेटा दे रहा है, मतलब हमारे MongoDB से ये हमारा फेच करके डेटा को शो कर रहा है। तो सक्सेसफुली हम लोगों ने हमारे बैकएंड को लाइव कर दिया है। तो आप सिंपली इस URL के मदद से अपने फ्रंट एंड के अंदर आप डिटेल्स को शो कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो, गेट कर सकते हो, सिंपली बहुत कुछ कर सकते हो। एक्चुअली मैं हमारे बैकएंड को अपने लाइव कर दिया और अभी इस URL के मदद से आप जो कुछ आप करना चाहते हो अपने फ्रंट एंड से वो कर सकते हो। तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग फ्रंट एंड को लाइव सर्वर के अंदर होस्ट करेंगे एंड कैसे हम लोग बैक एंड को यूज करेंगे हमारे फ्रंट एंड के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।